नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बदायूं जिले से, जहां बदायूं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मजदूर दिवस पर किया मास्क वितरण। जी हां, यूपी के बदायूं नगर बिलसी में मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष विवेक राठी ने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग के कर्मचारियों के हाथों को सैनिटाइज कराकर मास्क वितरित कर फूल मालाओं से सम्मानित किया एवं सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराकर जानकारी प्रदान की। वहीं कर्मचारियों ने ताली बजाकर कोषाध्यक्ष का स्वागत भी किया। उन्होंने बताया कि देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारी सरकार लगातार दूसरे प्रांतों में फंसे मजदूरों को घर लाने का कार्य कर रही है। कई योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है। सांसद डॉक्टर संमित्रा मौर्य, जिला अध्यक्ष अशोक भारती, नगर अध्यक्ष गगन राठी, नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वासने के द्वारा लगातार जरूरतमंद परिवारों को खाद्य राहत सामग्री वितरित की जा रही है। देखे बिलसी से अखिलेश सोलंकी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ग्राम बैन में इस समय पहुंचा हूं। माननीय हमारे प्रमुख साहब यहाँ, जो मैं थोड़ी देर में आपको अवगत कराऊंगा, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहर तक जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री प्रतिदिन पहुंचाई जा रही है। चाहे दवा से लेकर के सैनिटाइजर या मास्क की बात हो, लगातार वितरण चल रहा है। मैं चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रमुख साहब दो शब्द कहें। इस समय पूरा देश कोविड-19 से ग्रस्त है और मैं तो यही कहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से ना निकलें। कोई ज़रूरत हो, किसी को दवा लानी हो या बहुत ज़रूरी खाने पीने की कोई चीज़ हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो, तभी घर से निकलें, वरना इस समय घर से ना निकलें। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें और साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोएं और मास्क लगाकर या मोछा बांधकर या रुमाल बांधकर ही घर से निकलें। हमारे माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सर लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है और एक अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों के लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, उस विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? 1 अप्रैल से लगातार माननीय पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र यादव द्वारा इस जनपद के लिए जो जरूरतमंद गरीब, बेसहारा, विकलांग, विधवा और जो रिक्शा, ठेला, इस टाइप के जो लोग हैं जिनका व्यापार बंद है, दिहाड़ी मजदूर हैं जिन पर कोई काम नहीं रहा, इस समय लॉकडाउन में सारी व्यवस्था चौपट है, उनके लिए हमारे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा गरीबों के लिए राहत सामग्री भिजवाई गई। हम 1 तारीख से लगातार जो जरूरतमंद हैं उन्हें हम राहत सामग्री अपनी तरफ से दे रहे हैं। MP साहब को भिजवाई हुई राहत सामग्री हम लगातार बांट रहे हैं और आज 30वां दिन है जो लगातार सामग्री लोगों के, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच रही है। थैंक यू सर। मैं अखिलेश सोलंकी, संवाददाता, फास्ट न्यूज इंडिया, बिलसी। नमस्कार, आइए बात करते हैं हमारे माननीय कोषाध्यक्ष विवेक राठी जी, जो आज लगातार कई दिनों से इस लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं और मजदूर दिवस पर इन्होंने जो है मास्क वितरण किए थे लोगों के लिए। सर आप बताएंगे, आज मजदूर दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे क्षेत्रवासियों को? देखिए, आज मजदूर दिवस का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, इस अवसर पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जितने भी मजदूर हमारे बाहर फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते इस कोरोना महामारी में, उन सबके लिए वापस बुलाने का जो इतना बड़ा निर्णय लिया है ऐतिहासिक, वो वास्तव में मजदूर के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। मजदूर दिवस पर उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि स्थानों में जो हमारे श्रमिक वर्ग जो मेहनत मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों में जाते थे, उनके लिए सम्मान पूरे बसों से उनके घर तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था की है, वो वास्तव में बहुत बड़ी बात है, वो बधाई के पात्र हैं। और हमारे इस मजदूर दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी अपने जरूरतमंद लोगों के लिए राहत सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर अथवा जो भी जिस प्रकार से सहायता राशि हो सकती है पहुंचा रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी स्वयं बिजली घर बिलसी पर
मजदूर दिवस पर वहाँ के कर्मचारियों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। इसके अलावा हमारे बिलसिंह स्कूल विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय विधायक आर के शर्मा जी की तरफ से भी राशन की सामग्री जरूरतमंद हर व्यक्ति के लिए पहुंचाया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। आखिर में निवेदन करता हूं कि सभी लोग लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें जिससे कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द खत्म हो सके। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा सर, 3 मई के बाद क्या जिला बदायूं के लिए कोई राहत मिलेगी? देखिए, जैसा कि बदायूं जिले के लिए सूचना प्राप्त हो रही है, प्रशासनिक तौर पर ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। ऑरेंज जोन में शासन और प्रशासन का निर्देश होगा, उसी के अनुसार मैं समझता हूँ जो गाइडलाइन सरकार की, केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की, उसके अनुसार कुछ ना कुछ छूट अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारा बदायूं जनपद ऑरेंज जोन में है और ऑरेंज जोन को छूट देने की बात सरकार द्वारा कही गई है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तो इसका छूट का फायदा मिलेगा और जो भी आदेश होगा शासन प्रशासन का, उसी के तहत सारी कार्रवाई होगी। फास्ट मीडिया था अखिलेश सोलंकी की बिलसी। अगली खबर यूपी के अमरोहा जिले से है, जहां बच्चों ने खेल खेल में लगा दी आग। जी हां, किसानों का हो गया भारी नुकसान। जी ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जिला अमरोहा के थाना आदमपुर के अंतर्गत ग्राम खरगरानी में बच्चों ने खेलते हुए किसान जैन सिंह के एकत्रित भूसे तथा झोपड़ी में आग लगा दी। किसान जैन सिंह का तथा अजगर सिंह से मिली जानकारी के अनुसार भूसा, झोपड़ी, कड़े, चारपाई, लिफाफ, गद्दे आदि आग में जलकर राख हो गए, जबकि झोपड़ी में बंधे पशुओं को बड़ी मशक्कत के बाद निकालकर बचा लिया गया। देखिए खरगरानी से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। क्या जैन सिंह? जैन सिंह, ये आग कैसे लगी बता सकते हैं क्या आप? बता सकते हैं, बोलो कैसे लगी आग? ये कोई बच्चे ने लगा दी यहाँ पर। आपको पता नहीं किस बच्चे ने लगाई? ना हमें नहीं पता था। आप कहाँ थे जब आग लग रही थी? तो हम तो साहब अपने घर पे आए। अच्छा, फिर किसने जाके बताया आपसे कि आग लगी है? बच्चों ने बताया कि तुम्हारा मामा जल गया और बिटिया जल गया। अच्छा, फिर आके कैसे कवर करी आग? फिर हमने जो जनरेटर चलवाया था जब आग बुझाई थी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो इसमें 60 क्विंटल घुसका भोंगा आज हमारा जी, और बिटिया जल गया। अच्छा, और चार पाई जल गई यहाँ पड़ी हमारी। अच्छा चलो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहेंगे? गरीब आदमी कुछ मिल जाए तो हमें। अच्छा हाँ चलो, परेशान रहेंगे हमारे। ओके, कहाँ थे जब आग लगी? तो हम भाई खेत पर गए इस टाइम। तो आपको बताया किसने की आग लगी? बताया क्या, ये लोग बाग जा रहे हैं भाई थे, तुम्हारे वहाँ में बॉम्बे में आग लगी तो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आ गए, फिर यहाँ आए तो फिर समस्या को चालू कराया, जब जाके वो इसके ऊपर पानी डाला जब जाके। अच्छा ओके ओके। अगली खबर यूपी के भदोही जिले से है, जहां कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से नहीं डरते हैं कोटेदार। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर अनोखी खबर निकल के आ रही है सामने, जहां कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से नहीं डरते हैं कोटेदार। जी हां, खबर यूपी के भदोही जिले से है। आज जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वहीं बड़े बड़े महारथी देश भी धराशाही हैं। भारत सहित पूरा विश्व इस भयानक महामारी से कांप रहा है। वहीं उंज थाना क्षेत्र के सारीपुर गाँव के कोटेदार कोरोना से नहीं डरते। कोटेदार ना तो मास्क पहनते हैं और ना हैंड्स ग्लव्स और ना ही हाथों को सैनिटाइज करते हैं। उनके यहाँ एकत्रित ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को नहीं मिलती है, बल्कि वह हेलमेट पहनकर राशन वितरित करते हैं। पूछने पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि लोग मानते ही नहीं तो मैं क्या करूँ। जब सैनिटाइजर के लिए कहा गया तो बोले अंदर रखे हैं, बाद में निकाल कर ले आए। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं कि भदोही को भी कोरोना हॉटस्पॉट और रेड जोन डिस्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए भदोही क्षेत्र के उन तमाम अधिकारियों से अपील है कि समय रहते बिना देर किए हुए ऐसे तमाम गैर जिम्मेदार व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जाए। ऐसे पदों पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति एहतियात न बरते
यह बहुत ही घृणित कार्य है। देखें उंज से अजय कुमार भारती की रिपोर्ट। कहाँ दिखाई अभी तो भी मशीन चालू कर इसका जिम्मेदारी कौन होगा? आपको भी अगर हो गई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तो आपको सुरक्षा ले रहे हैं। आप दिख रहा है अगर वहाँ मान लीजिए होता तो अगर मान लीजिए उसका कुछ होता तो आपको पहले सैनिटाइजर करना चाहिए। ठीक है, आप लोग मास्क क्यों नहीं पहने हैं? जो सर रखे थे सैनिटाइजर काम कर रहे हैं। आप लोग मास्क नहीं पहने भैया? आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहन भूल गए। अगर यहाँ भूल गए घर से यहाँ से कोरोना लेकर जाएंगे घर से कोरोना तो नहीं भूलेंगे आप। मनरेगा कार्ड आप लोग क्यों नहीं लगाए? सब जिम्मेदारी मुझ में नहीं है कि क्या करें। अपन अपन इसका जिम्मेदारी निभाओ। तो कितने लोग यहाँ हैं जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं? कोई है अंत्योदय वाला? पिकल लड़का तो बोला जाए अंत्योदय कार्ड धारक कोई है यहाँ? यहाँ बैठी है निकल। आपका अंत्योदय कार्ड कितना गल्ला मिलता है आपको? वही हमारे माता जी। कितना गल्ला मिलता है आपको? 35 किलो मिलेगा। 35 किलो कितना पैसा लेते हैं? बताएंगे ना आपकी जिम्मेदारी है। एक आए थे इंफेक्ट थे उनको हम बोला जाइए आप मास्क पहन के आइए गल्ला आपको नहीं देंगे। उसने एसडीएम के पास फोन किया हमारे यहाँ तहसील वो नेपाल आए तहसीलदार आए बोले तो एसडीएम साहब से आपने कहा नहीं कि सर ये लोग अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, अफीम डोडे पोस्त गाजा चीटा सरा और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नजदीक अमन नगर फिरोजपुर रोड जीरा पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र, यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम डोडे पोस्त गांजा चीटा शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीप के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडर गांधी रोड मोगा पंजाब। मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू
MBBS MD डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां वाहन चालक से डाउनलोड कराए गए आरोग्य सेतु ऐप। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले में लॉकडाउन का पालन करने के लिए थाना प्रभारी सराय ममरेज दीपेंद्र सिंह ने अपने हमराहियों के साथ बारी चौराहे पर वाहनों की जबरदस्त चेकिंग की। जहां पर लोगों में चेकिंग के नाम पर दिन भर हड़कंप मचा रहा, वहीं कई वाहनों की चेकिंग की गई, जहां पर बिना मास्क एवं बिना हेलमेट के वाहन चालकों को अच्छी खासी डांट सुनाई गई और हेलमेट एवं मास्क लगाकर चलने की हिदायत दी गई। सजा के तौर पर वाहन चालकों से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाया गया। जागरूकता फैलाते हुए थाना प्रभारी सराय ममरेज दीपेंद्र सिंह ने कहा कि बेवजह कोई घरों से अपने ना निकले, जितना संभव हो सावधानी के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बिना मास्क लगाए यदि कोई भी दिखेगा तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखें हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कतों के मालिक दूध वाले हैं। अरे तो उसका कटा हुआ भाग होगा ना चेक का। पैसा मत भैया, भाई तुमने पूछा यहाँ जो चेकिंग चल रहा है इसके बारे में आपका क्या राय है? यहाँ पे जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं, थाना सराय ममरेज के थाना अध्यक्ष हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और यहाँ हमारे जो थाना अध्यक्ष हैं, जो हमारे सिपाही साहब हैं और यहाँ के सिपाही जो हैं एकदम मुस्तैद हैं और यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी रहती है और यहाँ प्रशासन टाइट है और दुकानें सारी बंद रहती हैं। आपका नाम? युवराज सिंह वारी। ठीक। अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले से है, जहां गौ माता के पैर टूट गए। जी हां, खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले के मक्खू थाना क्षेत्र से है। श्री कृष्ण गौशाला से प्राप्त जानकारी से पता चला कि दाना मंडी के पास किसी गाड़ी ने गौ माता को टक्कर मार के घायल कर दिया, जिससे पैर टूट गया। गौशाला के चेयरमैन संजीव कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक गौ माता सूखे कुएं में गिर गई थी, जिनको बचा लिया गया था और आज के टक्कर से गौ माता का पैर टूट गया है। तीनों को हालत ठीक नहीं है। देखें मक्खू से मंगल सिंह की रिपोर्ट। से पहुंचा जी श्री कृष्णा गौशाला मक्खू डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में। हमने हमें खबर मिली थी कि दाना मंडी जो रोड के ऊपर कोई गाँव मच्छी सैड मार के चला गया था, जिस गाँव में बहुत सट लगी हुई है, जिसकी लत टुट चुकी हुई है। उन्हें जानकारी लेने वास्ते अं श्री कृष्णा गौशाला पहुंचे हैं जी मक्खू में। आओ मैंबर साहबान तो जानकारी लेने कि गऊ का की हाल चाल है, की होया, की कारण है। आओ जी। सत श्रीकाल जी। सर खबर मिली श्री कृष्णा गौशाला मक्खू नू जब दाणा मंडी मक्खू दे पता लगा कि एक बच्ची नू कोई साइड मार गया, तो उस गां बच्ची दे कीड़े पे हुए सी लत्त दे, ते सानू उत्थों दे सेवादार बंटी गांधी जी ने दस्या। असी ग्वाले लैके उत्थे जब पहुँचे तो बच्ची की बहुत हालत तरसयोग सी, ना ही उसको तुरै जांदा सी। फिर असी इत्थे उस मच्छी नू लैके आए हैं। इस तो अलावा भी अज तो दो दिन पहला एक खूह दे विच गां डिग पी सी, वह खूह कोतपुरा नेड़े सिविल हस्पताल मक्खू कोतपुरा मंडी के कोल सी, जो कि काफ़ी पुराना खूह सी,
लेकिन जब अभी खूह देखे तो गाँव के तो उत्थे पता लगा कि पहला भी कई जानवर तो गावं उत्थे डिग चुकी हैं। तो असी सोचा कि किसी इस JCB नाल गांव कढ़िया जाए, पर ज़्यादा पैसे मंगण ते असी इन्ने अफोर्ड नहीं करते। असी फिर भी गऊ नूं बचाउण लई उस नाल गल की, पर फिर सोचा कि गऊ नूं अज दा कढ लवांगे तो फिर गऊआं फिर डिग पैणगे जां कोई बच्चे डिग पैणगे। तो इस करके असी आपदे गवाले बुलाए अते होर सेवादारां नूं बुलाया, साडे प्रधान जी पहुँचे, होर सेवादार भी पहुँचे। तो असी उस गऊ नूं कढ़न लई उस खूह नूं पूरिया ते गां नूं असी कढ़न च कामयाब हो गए। इस तों इलावा एक गां होर सानूं मिली सी जो कि कीड़े पए हुए सी गां दे पैर ते, उस गां नूं भी असी गऊशाला लैके आए हैं। वो गऊशाला ये पिछले 7 सालों तो चल रही है और 7 साल तो साडे पहला अकाली BJP सरकार ने बहुत सहयोग किया। अते इस दे विच श्री कार्य सिंह चेयरमैन श्री अवतार सिंह जी मिन्ना अते श्री वरिंदर ठुकाल जी ने साडा बहुत सहयोग किया अते गऊशाला बनी है। इस तो पहला ये जिहड़ी गऊशाला की जगह मिली सी श्री तरसेम चौधरी नगर पंचायत के प्रधान श्री नरेंद्र कटारिया जी अते श्री रमेश ठुकराल जी जो इस दुनिया च नहीं है, उन्होंने उपराला करके सानू दान दित्ती सी जगह। तो इस तरह बाद सानू बड़ा ही सहयोग मिलिया, बाकी भी होर शहर निवासियों का, दानी सज्जनों का, दुकानदार वीर का, किसानों का जिन्होंने तूड़ी लगातार सानू 7 साल दिती है, दुकानदार वीर ने बहुत सारा सहयोग किया। इस दे विच हुण सानू बहुत ही सहयोग की लोड़ है क्योंकि 2 महीने तो तकरीबन लॉकडाउन होया है, लॉकडाउन कारण दुकाना बंद है, जो ग्राही आती सी वह भी बिल्कुल बंद है, होर भी कितों सानू कोई सोर्स ही नहीं जितों सानू इनकम हो, असी बड़े दुखी हैं। ये लगातार तकरीबन 5000 रुपये डेली का खर्चा है, 1-1.5 लाख रुपये साढ़े महीने का खर्चा है, तो सानू बड़ी मुश्किल आ रही है। फिर भी असी हौसला नहीं छड़ रहे, गऊ माता की कृपा के नाल ये गऊशाला चल रही है। तो सानू आही सहयोग की उम्मीद है, असी आपदे सोर्सेज तो MLA श्री कुलबीर सिंह नूं बेनती की है, श्री महेंद्र मदान जी नूं अते श्री विजय कालड़ा जी नूं भी बेनती की है। महेंद्र मदान जी जो कि नगर पंचायत के प्रधान है, विजय कालड़ा जी जो कि आढ़ती एसोसीएशन के प्रधान है पंजाब के अते हुण वाइस चेयरमैन है पंजाब मंडी कोट बोर्ड के, असी उन्हों को अपनी सहयोग की मांग की है कि गऊशाला चलाने लई सानू सहयोग करो। तो हुण मैं दोबारा फिर लीडरां नूं बेनती करदा कि ज़्यादा तो ज़्यादा साडा सहयोग करो, तां ही गऊशाला चलूगी, अते यही बेनती है कि वध तों वध साडा सहयोग करो। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आओ तुहानूं गऊ दिखाउंदे हां जिहड़ी गऊ कुछ दिन पहलां खूह डिग्गी सी, खूह तों कढ के लाया जी, जानकारी तां पता लगा जी इहदी गऊ सी सुक्के खूह च सीगा तां बहुत बचाव होया, सुक्का खूह सीगा मोटर वाला सीगा उहदे च कढ के लाए ने। आओ तुहानूं इहदे नाल हुण दिखाउंदे हां जिहड़ी गऊ घायल है जिहदा हुण ट्रीटमेंट मैंबर कर दिता। बहुत
रखनी है। जय गौ माता जय गोपाल। साढ़े को तकरीबन 270 गऊ बच्चे बहुत हम इन्होंने संभाल अभी सारे मजदूर दुकानदार लाल अभी करते थे सू हर महीने अपने अपनी दुकाना से 6000 रुपये देंगे थे जो कि हम लॉकडाउन करके दुकाना सारिया बंद हैं। गौशाल का गुजारा बहुत मुश्किल है। तकरीबन 40,000 रुपया अभी तनखावह बंद इतने पा रहे हैं। दवाइया का खर्चा है, कुड़ी आ रही है, कुड़ी का बहुत खर्चा है। कृपा करके गुरुआ वो तो वह दान करो तो कुड़ी का दान करो। जय गौ माता जय गोपाल। प्रधान जी सूँ कि बहुत ज़्यादा लोड़ है पैसे वास्तव कि लॉकडाउन चल रहा वा अगर बाजार चो ग्राही कट्ठी होती थी जो भी बहुत कम आती थी हम बाजार बंद होने के कारण क्यों हाथ चल रहा है सबको पता है बाजार बंद है बाजार में कोई ग्राही नहीं आ रही इस करके सहयोग मन कर रहे भी सब सहयोग प्रो की कर रहे हैं। नवस कुमार कैमरा मैन के नवेंद्र सिंह फास्ट मूवी। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड करें। हम बनाएंगे आपकी आवाज़ बुलंद आवाज़। नमस्कार।